देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 9 दिसंबर को गोरखपुर आगमन को देखते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन के अध्यक्षता में एक तैयारी बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में एसएसपी डॉ. सुनील गुप्ता, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आकांक्षा राणा, डॉ. प्रदीप राव, एडीएम प्रशासन प्रभु नाथ, एडीएम सिटी रजनीश चंद्र, सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह, एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, सीएमओ डॉ. एसके तिवारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में 9 दिसंबर को महामहिम राष्ट्रपति के गोरखपुर आगमन को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में डीएम ने बताया कि 9 दिसंबर को राष्ट्रपति गोरखपुर के विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास के कार्यक्रम में शामिल होंगे और 10 दिसंबर को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह में समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। बैठक में जिलाधिकारी से सभी विभागों के अधिकारियों को 8 दिसंबर तक सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए। यूनियन सब चालू करो ताकि बीसी के बीच में आ गए। हम लोग अभी बीसी चालू नहीं हुआ है। एक मिनट भैया, पिछले सर बैठक लगभग सब पॉइंट तो सर सर्किट हाउस है। सर सर्किट हाउस में सर 3-4 विभागों का लाइनिंग की आवश्यकता है। सर सब दोनों आने के प्रोग्राम है। जो राष्ट्रपति जी तब आए थे उस समय प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग निकल करके रखे हैं। 3-4 जगह आपको सर्विस देना पड़ता है। एक तो हार्टलैंड देना पड़ता है, 2-3 जगह उसके अलावा जो एक्सक्लूसिव वो होता है वाईफाई कनेक्शन और इनका वॉइस के ऑफिस बनता है अलग से, उसका अलग कंप्यूटर का और फोन का व्यवस्था करना पड़ेगा। कंप्यूटर का व्यवस्था करने की बाकी फोन टेलीफोन का जो आपको कराना पड़ेगा। 28 पिछले बार लास्ट टाइम उसने बताया भी था और अभी तक का जो इनका रिक्वायरमेंट आया 22 का है लेकिन 28 मान के चला था। जी सर, एक तो कहाँ रुकते हैं आप लोग? सर्किट हाउस में सर 20 रूम में हमसे जस्ट बगल वाले ने सेफ हाउस में बंद करना पड़ेगा। हमें सर जो काम करते हैं